देश की ऐसी बेटी जिसका समाज कभी सोच भी नहीं सकता था कि उनके समाज का कोई राष्ट्रपति बनेगा, खुद को स्थापित मानने वाले समाज की बेटी अब भारत की राष्ट्रपति हैं। वह गरीब लड़की जो सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहती थी कि परिवार के लिए रोटी कमा सके, पेट पाल सके, वो अब भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। वह महिला जिसने अपने पति और दो बेटों को असमय ही खो दिया, आखिरी बेटे की दुर्घटना में मौत के बाद वह डिप्रेशन में चली गई और तब लोग कहने लगे थे कि अब ये नहीं बच पाएंगी, वो अब भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। जिस महिला के गांव में कहा जाता था कि राजनीति बहुत खराब चीज है और महिलाओं को तो इससे बहुत दूर रहना चाहिए, उसी गांव की महिला अब भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही है। वह महिला जो बिना वेतन के शिक्षक के तौर पर काम कर रही थी और जिनके प्रयासों से उनके गांव से जुड़े अधिकतर गांव में आज लड़कियों के स्कूल जाने का प्रतिशत लड़कों से ज्यादा हो गया, वो महिला अब भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही है। वह महिला जिन्होंने अपना पहला काउंसिल का चुनाव जीतने के बाद जीत का इतना बड़ा कारण बताया कि वो क्लास में अपने सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाती थी कि बच्चों को उस सब्जेक्ट में किसी दूसरे से ट्यूशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और उनके 70 नंबर तक आते थे, इसलिए क्षेत्र के सारे लोग और सभी टीचर्स उन्हें बहुत लगाव करते थे। वो महिला भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही है। वह महिला जो मासूमियत से अपनी सबसे बड़ी सफलता इस बात को मानती है कि राजनीति में आने के बाद मुझे वो महिलाएं भी पहचानने लगेंगी जो पहले नहीं पहचानती थी, वो अब भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। वह महिला जो 2009 में चुनाव हारने के बाद फिर से गांव में जाकर रहने लगी और जब वापस लौटी तो अपनी आंखों को दान करने की घोषणा की और अब वह महिला भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। वह महिला जो ये मानती हैं कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, जीवन कठिनाइयों के बीच रहेगा, हमें ही आगे बढ़ना होगा, कोई पुश करके कभी हमें आगे नहीं बढ़ा पाएगा, वो महिला भारत की राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति भवन अब वास्तविकता में कनक भवन बन रहा है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें